फ्रेंड्स, माय नेम इज आदित्य एंड यू आर वाचिंग कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में करेंगे इन द हैबिट ऑफ का मतलब होता है कि कुछ करने की आदत है, मतलब प्रेजेंट का सेंटेंस है ये हमारा, तो कुछ करने की आदत है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज करा जाता है वैसे ही वाला सेंटेंस। सो गाइस, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साइड में बेल नोटिफिकेशन लगाओ, उसे ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। सो गाइस, और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो वो लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि लोग वीडियो को देख के चले जाते हैं, लाइक नहीं करके जाते, तो लाइक भी कर दिया करो, हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता रहता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सेंटेंस कैसे फॉर्मेशन करते हैं, इसका मतलब जो फॉर्मेट होता है सेंटेंस फॉर्मेशन का वो होता कैसे है। तो सिंपल में हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये तो सबको पता ही है, प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो वाली होती है जिसमें आई एन जी लगता है, जैसे गोइंग, जंपिंग, किलिंग और थ्रोइंग। बहुत सारे जो वर्ड्स हैं मेरे एकदम से माइंड में नहीं आए, बहुत सारे मैं आपको मिल जाएंगे तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा। तो ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें आई एन जी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही होता है हमारा सिंपल नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव होता है, सब्जेक्ट प्लस इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट, प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट प्लस सब्जेक्ट इन द प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें मैंने एक चीज गलत बोल दी, ये जो इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में एम नॉट था ना, यहाँ इंटरोगेटिव में एम नॉट का थोड़ा अलग फॉर्मेट है। एम नॉट का फॉर्मेट होता है एम प्लस आई प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ प्लस इन द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको ये बता दिए, अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बता के बता दूँ जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। अब एक सेंटेंस ले लो, तुम्हें पानी पीने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तुम्हें पानी पीने की आदत नहीं है, यू आरंट इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या तुम्हें पानी पीने की आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्या तुम्हें पानी पीने की आदत नहीं है, आरंट यू इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मुझे वहां जाने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ गो देयर। मुझे वहां जाने की आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ गो देयर। क्या मुझे वहां जाने की आदत है, एम आई इन द हैबिट ऑफ गो देयर। अब आपने क्या मुझे वहां जाने की आदत नहीं है, एम आई नॉट इन द हैबिट ऑफ गो देयर। आपने नोटिस किया ना इसमें, जो मैं एम आई नॉट बोला है ना इसमें, वरना सब में एम नॉट प्लस आई आता है, मतलब सब्जेक्ट में एम नॉट, ये जो एम नॉट होता है ये एम और आई एक साथ हो जाता है, नॉट बाद में आता है। ये हो गया, एक और ले लेते हैं। तुम्हें टीवी देखने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। तुम्हें टीवी देखने की आदत नहीं है, यू आर इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। क्या तुम्हें टीवी देखने की आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। क्या तुम्हें टीवी देखने की आदत नहीं है, आरंट यू इन द आर यू इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। क्या तुम्हें टीवी देखने की आदत नहीं है, आरंट यू इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी। सो गाइज, हमारी आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साइड में बेल नोटिफिकेशन उस ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।